इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। अभिनेता लंबे समय से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। आज सुबह 7:30 बजे उनका निधन हुआ है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार 98 साल के थे और लंबी बीमारी से भी वो जूझ रहे थे। दिग्गज अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 7:30 बजे 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इससे पहले भी कई बार हमने वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई जब बीमारी की वजह से जूझ रहे दिलीप कुमार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, लेकिन इस बीच आज सुबह 7:30 बजे उनके निधन की दुखद खबर मिल रही है। रवि जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, बिल्कुल, आज सुबह 7:30 बजे हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार, बहुत ही जाने माने कलाकार और हमेशा दुनिया याद रखेगी ऐसा एक कलाकार हमारे बीच से चला गया है। डॉक्टर ने एबीपी से इस बात की पुष्टि की है कि दिलीप साहब की आज सुबह 7:30 बजे मौत हो गई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले हफ्ते एक बार फिर से दिलीप साहब को सांस लेने में दिक्कत चलते और हेमोग्लोबिन में कमी आने के चलते मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल, जो कि खार में स्थित है, वहां पर भर्ती कराया गया था। एक नॉन कोविड अस्पताल है। एक महीने में दोबारा दिलीप साहब को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 जून को दिलीप कुमार को भर्ती कराया गया था पीडी हिंदुजा अस्पताल में। तब भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और 5 दिन के बाद उन्हें वहां से डिस्चार्ज किया गया था। एक माइनर सर्जरी की गई थी, उनके फेफड़ों में जमा पानी से निकाला गया था। उसके बाद 11 जून को उन्हें वहां से डिस्चार्ज मिला था, लेकिन 19 जून को एक बार फिर से उन्हें उसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक बार फिर से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी काफी। उन्हें इस बार आईसीयू में सीधे भर्ती कराया गया था। पिछले 8 दिनों से वो लगातार आईसीयू में थे और बीच बीच में हमारी बात अस्पताल के सूत्रों से हो रही थी। हमें बताया जा रहा था कि दिलीप कुमार जो है उनकी तबीयत जो है उसमें सुधार हो रहा है, वो स्टेबल है, हमें ये बताया जा रहा था। सायरा बानू जी से हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने भी हमें यही बताया था कि उनकी तबीयत बेहतर है, स्थिर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज में एक तनाव था। वो बहुत आश्वस्त नहीं थे दिलीप साहब को लेकर, क्योंकि अक्सर जब वो हमसे बात करते हैं, जब दिलीप कुमार भर्ती होते हैं अस्पताल में, तो एक चेहरे में आवाज में उनके एक यकीनी एक यकीन होता है कि दिलीप साहब अस्पताल से वापस आ जाएंगे घर, लेकिन एक बार जब वो हमसे बात कर रही थी तो काफी चिंतित नजर आ रही थी और उन्होंने बीच बीच में कई बार हमसे कहा कि उन्हें दुआओं की जरूरत है, आप सभी दुआ कीजिए ताकि दिलीप कुमार जो है वो जल्द से जल्द अस्पताल से घर आ जाए। 1944 में दिलीप कुमार ने ज्वारभाटा फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और उन्होंने 1998 तक काम किया। बीच में 5 साल वो काम नहीं कर पाए थे किसी वजह से, हेल्थ रीजंस की वजह से, लेकिन लगातार वो काम करते रहे और बेहतरीन फिल्में उन्होंने हिंदी सिनेमा को दी है। उनकी तमाम जो फिल्में हैं उनमें से कई ऐसी यादगार फिल्में हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। उनके अभिनय को हमेशा याद रखा जाएगा। दिलीप कुमार को एक्टिंग का स्कूल कहा जाता था, बहुत चुनिंदा फिल्में करते थे। अपने पूरे करियर में उन्होंने 100 से भी कम फिल्में की हैं। इतना लंबा करियर रहा है उनका, लेकिन उन्होंने 100 से भी कम फिल्में की हैं। 7 फिल्में की होंगी दिलीप कुमार ने। ऐसा एक कलाकार जिसे दुनिया याद रखेगी, जिसे भारतीय सिनेमा हमेशा याद रखेगा, एक ऐसा कलाकार आज हमारे बीच से सुबह 7:30 बजे चला गया है। उसकी उम्र 98 साल थी। पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए तो दिलीप कुमार को बार बार फ्रीक्वेंटली अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। हर 2-3 महीने में वो अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, लेकिन ऐसा पहली बार शायद हुआ है कि एक महीने में उन्हें 2 बार एक ही अस्पताल में और एक ही दिक्कत के चलते उन्हें भर्ती कराया गया और आखिरकार दिलीप कुमार ने हम सब से विदा ले ली। ABP News आपको रखे आगे।